साथियों, अभी हम लोग जो हैं गायत्री शक्ति पीठ पर आए हैं और जैसा कि आपको पता ही है कि नवरात्रों के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार में जो नवरात्रों का अनुष्ठान किया जाता है उसकी पूर्णाहुति के स्वरूप यहां पर कंजिकाओं को भोजन करवाया जा रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथियों, हम लोग अभी गायत्री शक्ति पीठ के प्रांगण में हैं और इससे पहले यहाँ पर यज्ञ किया गया था। वैसे तो हर सप्ताह संडे के दिन यज्ञ होता है, परंतु पिछले 9 दिन से लगातार यहाँ पर यज्ञ हो रहा था, उसकी पूर्णाहुति आज यहाँ हुई है। और इसके बाद जैसे कि प्रचलन है कि नवरात्रों के अनुष्ठान स्वरूप जो कंजिकाएं हैं उनको भोजन कराया जाता है, तो वो दृश्य आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग, ये देखिए, ये संस्था के कार्यकर्ता के सामने गोपाल दास जी को आप देख पा रहे हैं, हरपाल जी को आप देख पा रहे हैं और हमारे जितेंद्र जी जो कि अभी देखिए बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ कंजिकाओं को भोजन कराते हुए, ये देखिए, ये तमाम कार्यकर्ता हैं, गायत्री परिवार के परिजन हैं। यहाँ पर प्रज्ञा पुराण कहा जाता है और कहा जाता है ये जो परिजन हैं यही युग निर्माण योजना के संदेशवाहक होंगे और इस युग निर्माण योजना में इन्हीं जो प्रज्ञा परिजनों की भूमिका देखने को नज़र आएगी। परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसे ही लोगों को भगवान का निमंत्रण देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ऐसे ही लोग होंगे जो कि युग निर्माण योजना की भूमिका में नज़र आएंगे। तो देख पा रहे हैं साथियों, हम लोग जो है बड़े ही अद्भुत और बड़ा ही प्रिय दृश्य आपके सामने है। ये देखिए, यहाँ पर जो है बड़े श्रद्धा और विश्वास के साथ नवरात्रों के उपलक्ष्य में पूर्णाहुति के स्वरूप महिलाओं जो हमारी बेटियाँ हैं कंजिकाएँ हैं उनको भोजन करवाया जा रहा है। तो ये दृश्य बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनोरम, और जिस स्थान पर आप हैं ये गायत्री शक्तिपीठ जींद का ये दृश्य है जो कि स्थानीय हनुमान नगर में स्थित है। तो ये परम पूज्य श्री रामाचार्य जी और माँ भगवती के द्वारा संचालित ये शक्तिपीठ है और जिसका मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार में है। साथियों, तो ये देख पा रहे हैं बड़ा ही सुंदर ये दृश्य है। मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ साथियों कि इस शक्तिपीठ पर हर रविवार के दिन सुबह 8:30 बजे से और तकरीबन 10 बजे तक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हर रविवार के दिन 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आइए और जिस स्थान पर आप देख रहे हैं ये यज्ञ स्थल है जहाँ पर ये यज्ञ किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय मां गायत्री।